आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये सुबह के वीडियो का फॉलो ऑन वीडियो है और इस वीडियो के दौरान हम लोगों ने सुबह जो बातचीत शुरू की थी उसके बारे में कुछ और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग आनंद रंगनाथन को थैंक यू बोलेंगे और रंगा जी ने फाइनली जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए रेस्पेक्ट है। उनकी तरफ से ये जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाला स्टेटमेंट दिया गया है उसके बाद नेचुरली उनको लेकर रेस्पेक्ट बढ़ती है। बाकी तहसीन का वहां पर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था और बाकी बचे दो लोग उनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद ही नहीं है। अब जिस चीज के ऊपर बात करने की आवश्यकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी एक सीरियस कंसर्न है और इसको लेकर थोड़ा काम हुआ है और ज्यादा काम की जरूरत है। जैसा कि सुबह के वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि MOU का मतलब है आगे बातचीत हो सकती है और एज सच MOU की कोई वैल्यू नहीं है। HAL की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर एक MOU साइन किया गया था। आज कहाँ है वो MOU? कितने FA-18 सुपर हॉर्नेट देश में बने? कुछ दिनों पहले HAL की तरफ से चीजों की सफाई की जा रही थी तो शायद वहाँ पर वो MOU साफ किया गया होगा, वरना वो डॉक्यूमेंट धूल खा रहा था। कल्याणी की तरफ से भी जनरल एटॉमिक्स के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMALS को लेकर भी एक MOU साइन किया गया था। कितने जेरॉल्ड फोर्ड इस समय भारत में बना लिए गए हैं? देखिए, स्टैंड अलोन MOU का कोई मतलब नहीं होता है जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बाहर घूम रहा है वो बेसिकली Uber का ऑफर है और जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अग्रीमेंट साइन नहीं होगा, तब तक वहाँ पर किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इसको अग्रीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहला ड्राफ्ट आएगा और उस ड्राफ्ट तक पहुँचने से पहले बहुत सारे नेगोशिएशन, पेपर वर्क, डिस्कशंस, ड्यू डिलिजेंस और अप्रूवल्स लगेंगे। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या डिस्कशन चल रही है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसकी मैकेनिज्म या क्या इसकी प्रोटोकॉल्स होंगी। लेकिन कई लोगों का एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि Uber ही क्यों? Uber एक अमेरिकन कंपनी है और उसके साथ में इस तरीके का MOU होना ही नहीं चाहिए था। इस चीज के साथ में मैं 100% अग्री करता हूँ, लेकिन आपको और मुझे दो चीजें और समझनी पड़ेगी। पहला, इस समय करंट मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ लोकल वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और इन शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स के साथ में ही पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। डिप्लॉयमेंट की जब बात की जाती है तो आर्मी के खुद के व्हीकल्स होते हैं, लेकिन ऑफ द ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लोकल वेंडर्स यूज किए जाते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। इस चीज को कम्प्लीटली एड्रेस करने की जरूरत है। इसके अलावा देश में जितने भी फोन्स बनते हैं या तो वो चाइनीज हैं या फिर अमेरिकन। इनफैक्ट अमेरिकन फोन्स भी चाइना से बनकर आते हैं। कुछ असेंबली भारत में होती है, लेकिन हम में से हर किसी के फोन में फेसबुक है, व्हाट्सएप है और दूसरी एप्लीकेशंस हैं जो सारी की सारी आपको सुनती हैं। हालांकि सर्विसेज को सेफ रखने के लिए उनको एक नई एप्लीकेशन बनाकर दी गई थी जिसका नाम है संदेश, जो एग्जैक्टली व्हाट्सएप की तरह काम करती है और इस ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही होस्ट किया गया है। दूसरी चीज यह है कि Uber ही क्यों? मैं प्रैक्टिकली इसके पूरी तरीके से खिलाफ हूँ, लेकिन आप ऑप्शंस बताइए। किसी ने कहा था कि ओला या रैपिडो क्यों नहीं? देखिए, अल्टीमेटली डेटा वहीं जाता है, चाहे ओला का हो, Uber का हो या रैपिडो का। पोटेंशियली जब पहला ड्राफ्ट निकल कर आता है और हम सभी को ऐसा लगता है कि अभी भी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वहाँ पर सॉल्यूशन होगा आर्म फोर्सेस के खुद के व्हीकल्स। इसके अलावा Uber को लेकर सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि एक अमेरिकन कंपनी है और हम सभी को अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरीके से अग्री करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार अमेरिका को जितना दूर भारत के डिफेंस से रखे उतना अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक चीज में US इन्वॉल्व है और जिस तरीके के आपके प्रोसेसेस हैं उनके चलते भारतीय सेनाएं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। उनकी तरफ से एक ओपन टेंडर खोला जाता है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वेंडर्स बुलाए जाते हैं और देश में अगर 3 ट्रांसपोर्टेशन वेंडर्स हैं तो तीनों वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीगली जो आदमी वहाँ पर बैठकर डिसीजन ले रहा है उसके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि वो कहे कि Uber इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लीगली यहाँ पर चीजें भारत सरकार को करनी पड़ेगी, उनको Uber को ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा और तभी वो भारत के किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। भारत में डेटा सिक्योरिटी बहुत सारे लेवल्स पर एड्रेस करने की आवश्यकता है और डेटा सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशंस होने चाहिए, लेकिन सड़क छाप लैंग्वेज यूज करते हुए भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को कोई भी गाली देगा तो हम लोग डिफेंस फैंस हैं, राइट विंग वाले लोग नहीं है जो बीफ को लेकर टॉन्ट सुने और फिर जाकर सामने दुम हिलाए। इन लोगों को आदत होगी वो टॉन्ट सुनकर फिर से जाकर उनके सामने दुम हिलाने की। इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट ये लोग फिर से अगर वो लैंग्वेज यूज करेंगे तो हम लोग इनको फिर से जवाब देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।